क्वेश्चन है 670 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री 59 डिग्री अपॉन 30 डिग्री। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, कुछ प्रूफ करना है नहीं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ वैल्यू आपको सेक दी है और यहाँ क्या दिया है, कॉसेक दिया है, मतलब सेक का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट सेक। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक। और उसी तरह से साइन और कॉस के लिए भी है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन। तो आप चाहो तो या तो ऊपर को चेंज कर दो, या न्यूमिनेटर को चेंज करो, या डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। ठीक है, हम क्या करें आप लोग बताइए, चूज करिए किसे चेंज करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ए गिवन, गिवन क्या है हमें, sec 70 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 20 डिग्री प्लस sin 59 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 31 डिग्री। ठीक है, I know that हम क्या जानते हैं, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इतना हम जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहां फॉर्मूला अप्लाई करें, sec 90 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें 70 मिल जाएगा, 20। तो हम क्या लिखें, 90 माइनस 70 प्लस, और यहाँ पे डिवाइड, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये चेंज हुआ, हमें न्यूमिनेटर को आप लोगों ने कहा न्यूमिनेटर को चेंज कर दिया है, न्यूमिनेटर चेंज हो क्या, अभी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ sec 90 माइनस थीटा के फॉर्म में मैंने लिखा है। 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 70 है, इसलिए हमने यहाँ थीटा लिख दिया 70। ठीक, 90 माइनस 70। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 70 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 20। 90 में 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 70 मिलेगा ना, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, मैं बेटा 90 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें 70 मिलेगा, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70। अब इसी तरह बताइए 59 में, 90 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 59 मिलेगा, 31। डिनोमिनेटर में आपको गिवन होता है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 29 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 31 डिग्री, 31 डिग्री। इसके बाद sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, cosec 20 डिवाइडेड बाय cosec 20 प्लस sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 31 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 31 डिग्री, क्या हो गया आंसर, क्लियर है, कोई डाउट, रख कर दूं नोट्स में, ग्रुप में सेंड कर दूं, वो वहां से राइट कर लेंगे। Now we see next example, example number 13. Example number 13 is find the value of sine 47 degrees upon
cos 43 क्या मिलेगा
जीरो, ये क्या हो गया आंसर? क्लियर आप लोगों को? क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर मैम. नाउ वी सी एक्सरसाइज क्वेश्चन. मैम हम लोग 90 में 70 माइनस कर रहे हैं. क्या होगा बेटा? मैम मैं पूछी कि 9 में 70 को माइनस कर रहे हैं. माइनस नहीं कर रहे हैं,
चेक करना रहता है, वैसे तो वैल्यू आपको गिवन है कि आप 73 है, तो इसका मतलब होता है अगर हम 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 17 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब इसको चेंज करेंगे तो थीटा की वैल्यू ऑलवेज 73 डिग्री रहेगी, ना कि 17। क्लियर? यस मैम। क्लियर है रिया? यस मैम। Then we see, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ हमें क्या मिलेगा, cos 73 डिग्री into sec 73 डिग्री, ठीक है। इतना सारी की बात लिखिए, अभी तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, कैंसिल कैंसिल करने, हमें कैंसिल भी करना है, क्या करें? We know that cos theta is equal to 1 upon उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन sec 73 डिग्री, और टेन तो यहाँ पे पहले से ही sec 73 डिग्री कितना है, sec 73 से कैंसिल हो गया, 3 into 1 क्या होगा, 3, क्या हो गया ये आंसर, क्लियर हो गया? यस कोई डाउट है किसी लाइन में? यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लाई वाला पढ़ा, डिवाइड वाला पढ़ा, और एक सब्ट्रैक्ट करके भी पढ़ा है। अभी यहाँ पे प्लस माइनस के क्वेश्चन गिवन है और वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओ, थर्ड, फोर्थ, कौन सा बताओ? थर्ड। देखिए क्या है, अब इसके
पर नेक्स्ट टू इंटू ये कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया, यहाँ क्या बचा थ्री टू वन माइनस वन प्लस वन, यहाँ भी वन आएगा और ये बीच में साइन माइनस का है, यहाँ प्लस का साइन और ये वन, माइनस वन प्लस वन कैंसल हो गया टू इंटू वन। आंसर चेक करिए, आंसर यही है। ओके आज की क्लास यही होगा, करते हैं हाँ आज वाले स्टूडेंट्स कल ज्वाइन करेंगे।